शनिवार को पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी पर खूब तंज कसे। प्रधानमंत्री ने कहा, हम ऐसे वादे नहीं करते जिसके कारण जनता बेचारी बेचैन हो जाए। ऐसे बुद्धिमान और तेजस्वी लोग भी देश में हैं जो आलू से सोना बनाते हैं। माफ कीजिए, वो काम हम नहीं कर सकते। पीएम ने कहा, मैं आलू से सोना नहीं बना सकता, ना मेरी पार्टी बना सकती है। हम ये वादा नहीं दे सकते और ना ही आलू से सोना बना सकते हैं। हम कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं ताकि आलू सुरक्षित हो जाए और उसे आप चिप्स बना सकें। लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता है जो आपके पास वोट मांगने आए हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आलू खेत में होता है कि आलू फैक्ट्री में होता है। रियासत की शीतकालीन राजधानी जम्मू में सरकार का सचिवालय बंद हो गया। बता दें, 6 मई को कश्मीर में सचिवालय खुल जाएंगे। वहीं 35 दफ्तरों के दस्तावेजों और जरूरी सामान को वाहनों में लाद दिया गया है। ये सभी वाहन कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर भेजे जाएंगे। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई टीम के लिए आज चुनाव हो गए। बता दें, हर 2 साल में एक बार होने वाले चुनावों में से इस बार 16 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस नई टीम के लिए मतदान सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हुआ है, जिसमें 2237 मतदाताओं ने अपना वोट किया है। वहीं बताया जा रहा है कि आज मध्य रात्रि को इसका परिणाम भी घोषित हो जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव राम माधव चुनाव प्रचार के लिए कश्मीर दौरे पर हैं। वहीं आज कश्मीर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे माधव ने कहा, वहीं कश्मीर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे माधव ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों में बीजेपी 3 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बता दें, रियासत में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 2 जम्मू, 3 कश्मीर और 1 लद्दाख में है। जायदाद है ये नहीं है, ये हिंदुस्तान के करोड़ों भारतवासियों का शान है, हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर निर्वासित नागरिकों को वापस न लेने के लिए प्रतिबंध लगा लिए हैं। साथ ही ट्रंप प्रशासन ने धमकी दी है कि अगर पाक ने जल्द कोई कदम ना उठाया तो उसके वरिष्ठ अधिकारियों के वीजा भी रोक दिए जाएंगे। अमेरिकी कानून के मुताबिक जो भी देश अपने निर्वासित नागरिकों को वापस नहीं लेते हैं, उन्हें वीजा जारी करना बंद कर दिया जाता है। For advertisements in Channel 1, please contact on 700-6444-869.